निम्न स्थिति विवरण से बसंत लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बसंत लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष शेयर होल्डर्स फंड ए, अंश पूंजी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹4,20,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹3,75,000। बी, संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹2,88,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,80,000। सेकेंड, गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लाइबिलिटीज दीर्घकालीन ऋण 10%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 nil एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹45,000। थर्ड, चालू दायित्व करेंट लाइबिलिटीज ए, अल्पकालीन ऋण बैंक अधिविकर्ष, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट 31 मार्च 2018 ₹60,000 एंड 31 मार्च 2017 ₹1,05,000। बी, व्यापारिक देय बिल ट्रेड पेबल 31 मार्च 2018 ₹1,39,500 एंड 31 मार्च 2017 ₹2,64,000। सी, अल्पकालीन आयोजन करों के लिए प्रावधान शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹45,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹33,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹9,52,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹10,02,000। सेकेंड, संपत्तियां एसेट्स। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां नॉन करेंट एसेट्स ए, स्थायी संपत्तियां फिक्स एसेट्स। फर्स्ट, दृश्य संपत्तियां टेंजिबल एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹5,47,500 एंड 31 मार्च 2017 ₹5,25,000। सेकेंड, अदृश्य संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹45,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹93,000। सेकेंड, चालू संपत्तियां करंट एसेट्स ए, माल सूची स्टॉक इन्वेंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,20,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,80,000। बी, व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 एंड 31 मार्च 2017 ₹99,000। रोकड़ एवं रोकड़ समान कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 31 मार्च 2018 ₹27,000 एंड 31 मार्च 2017 ₹15,000। टोटल ऑफ 31 मार्च 2018 ₹9,52,500 and total of 31st March 2017 ₹10,02,000. Notes of accounts, particular, first, Sanchay evam Adhikya, reserve and surplus, Samanya Sanchay, general reserve for the year ended 31st March 2018 ₹1,87,500 and for the year ended 31st March 2017 ₹1,50,000.
लाभ हानि खाते के अनुसार शेष या आधिक्य सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,05,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹30,000 टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹2,88,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,80,000. सेकेंड, दृश्य संपत्ति टेंजिबल एसेट्स भूमि एवं भवन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹75,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹3,00,000. यंत्र एवं मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹4,72,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹2,25,000. टोटल 5,47,500 for the year ended 31 March 2018 and for the year ended 31 March 2017 ₹5,25,000. थर्ड, अदृश्य संपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स ख्याति गुडविल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹63,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹90,000. इस प्रश्न में हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंतर्गत हम कैश फ्लो रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज रहती है उनको हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके आधार पर सबसे पहले नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बेस पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बेस पे नेट जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज होता है कैश या कैश इक्विवेलेंट में वो वहां हम वो लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस पे देखे और इसके पहले हमने वीडियो में देखा, इसके फॉर्मेट में देखा कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर लिखते हैं जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब हमको यहाँ पर बहुत सावधानी से देखना है कि इस पूरे जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, टेबल हमको दिए गए, इसमें से हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर करेंट ईयर के लिए नेट प्रॉफिट हम कहाँ से फाइंड आउट करें. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमको रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं, एक तो वहां वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो हम देख रहे हैं कि 31 मार्च 2017 के लिए 1,50,000 है, लेकिन 2018 में वो 1,87,500 हो गया. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो है 37,500, यानी 1,50,000 माइनस 1,87,500 का डिफरेंस. तो एक तो 37,500 है और दूसरा जो पहले से बैलेंस दिया गया है, हम यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट में देख रहे हैं कि लाभ हानि खाते के अनुसार शेष या फिर आधिक्य दिया गया है तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2017 में ये जो बैलेंस है ये 30,000 था और 2018 में ये 1,50,000 हो गया, यानी डिफरेंस के जो अमाउंट आती है 70,500 वो इस करेंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 37,500 और 70,500, ये टोटल मिलाकर 1,08,000 का हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. और इसके बाद हमको इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमको इसमें इंक्लूड करने हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम में से इनकम तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक हमको यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाई दे रहा है जो कि नोट्स ऑफ अकाउंट में लास्ट पॉइंट है और इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत हमने उसका लेखा किया है गुडविल. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गुडविल 2017 में 90,000 है और 2018 में ये 63,000 हो गई, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुडविल जो है वो कम हुई है. कितने से कम हुई है? 90,000 माइनस 63,000, यानी कि 27,000 जो गुडविल है वो कम हुई है
इसका मतलब होता है कि गुडविल को अपलिखित कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। तो क्योंकि गुडविल एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे? ये जो हमने पहले से फाइंड आउट किया था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 1,08,000 में हम 27,000 ऐड कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। तो ये हमारा हो जाएगा 1,35,000, जिसको कि हम नेट अमाउंट कॉलम यानी आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। अब इसमें हम बहुत सारी चीजों को ऐड और लेस करते हैं। यहाँ हमको कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि अगर किसी करेंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमको उसको ऐड करना है, और अगर किसी करेंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हमको लेस करना है। ऐसे ही हमको करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं कि अगर किसी करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमको उसको लेस करना है, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हमको प्लस करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपेयर करके कि जो हमारे पास सेकेंड पार्ट में संपत्तियां और दायित्व दिए गए हैं उसमें से हम देखते हैं, पहले तो गैर चालू संपत्तियां दी गई है जिसकी कि हम यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं करते। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीज का जो कंपैरिजन करते हैं वो केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर हमको करंट एसेट्स दी गई है जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हम देख रहे हैं ईयर 31 मार्च 2017 में 1,80,000 की थी और 2018 में हो गई 1,20,000। तो ये 60,000 का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है ये, और ये है क्या हमारे लिए इन्वेंट्री? एक करेंट एसेट्स। तो हमने जो कंसेप्ट देखा कि अगर किसी करेंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ऐड वाले पोर्शन में लिखते हैं, और उतनी ही वैल्यू लिखते हैं जितनी की उस इन्वेंट्री की वैल्यू थी, जितनी की उस करेंट एसेट्स की वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60,000 से ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हम 60,000 के अमाउंट को ऐड में लिख देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर में ऐड और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सेकंड हम देख रहे हैं हमारे करंट एसेट्स वाले लिस्ट में कि ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स है और इसकी वैल्यू जो है वो 2017 में 99,000 की थी जबकि 2018 में 1,50,000 की हो गई, यानी कि इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू। तो क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये एक प्रकार से हमारे लिए एसेट्स है तो इसको फिर हम लेस वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इसके नीचे हमने लेस बनाया हुआ है जिसमें हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और डिफरेंस की जो अमाउंट है 99,000 माइनस 1,50,000, तो डिफरेंस की जो अमाउंट है इसमें ट्रेड रिसीवेबल में केवल 51,000, केवल उतने की ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लाइबिलिटीज भी है जिसमें हमको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है जो कि 2017 में 33,000 था और 2018 में 45,000 का हो गया। तो 12,000 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो 12,000 इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी के अमाउंट इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा था कि अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिर हम उसको ऐड कॉलम में लिखेंगे। तो ऐड में हम इसको डालेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर टैक्स, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 33 से वो 45 हो गई, यानी कि 12,000 ही इंक्रीमेंट हुआ है, तो केवल 12,000 इंक्रीमेंट की अमाउंट को यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बिल्स पेबल है, ये भी करंट लायबिलिटी है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बिल्स पेबल की वैल्यू 17 में ये 2,64,000 था और 18 में ये 1,39,500 हो गया, यानी इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। और ऐसी कंडीशन में जब किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो हम उसको लेस करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,24,500, क्योंकि इतना ही डिफरेंस आ रहा है, इतनी ही डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट हमको यहाँ पर और देखने को मिल रहा है, बैंक लोन, बैंक अधिविकर्ष, क्योंकि ये भी एक प्रकार की लायबिलिटी है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो फिर से हमको इसको लेस में लिखना है, और कितना डिक्रीज हो रहा है? 2017 में ये 1,05,000 था और 2018 में ये 60,000 हो गया, यानी 45,000 से डिक्रीज हो रही है, तो केवल 45,000 ही यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज डिक्रीज सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद
हमारे पास पहले से जो नेट अमाउंट थी वो थी प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 1,35,000। इसमें हमने दो चीजें ऐड की, 60,000 और 12,000, और तीन चीजें माइनस की, 45,000, 1,24,500 एंड 51,000। तो ये हो जाता है 1,48,500। तो ओवरऑल बैलेंस जब हम इसका निकालते हैं ऐड एंड लेस करने के बाद, तो ये हमको जो मिलता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसकी अमाउंट हो जाती है 13,500। तो ये हमने निकाल लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हमको कौन कौन सी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो ये हम नोट्स ऑफ अकाउंट में देख रहे हैं। एक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की हुई है। कैसे पता चलेगा? यहाँ हम देख रहे हैं नोट्स ऑफ अकाउंट में कि 2017 में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, जो कि 2018 में 75,000 की हो गई। यानी कि यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो सेल हमने किया है लैंड एंड बिल्डिंग में। तो 2,25,000 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, 3 लाख माइनस 75,000 करके, तो 2,25,000 का हमको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने प्लांट और मशीनरी परचेस की है। तो कितने की प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेस की है? 2017 में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 2,25,000 की थी, जबकि 2018 में ये प्लांट एंड मशीनरी 4,72,500 की हो गई। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 2,47,500 की का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वो, यानी हमने एक्स्ट्रा इसको परचेस किया है। एक हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संपत्ति वाले कॉलम में कि गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, जो कि 2017 में 93,000 के थे और 2018 में 45,000 के हो गए। यानी कि 48,000 के इन्वेस्टमेंट जो थे वो सेल हो गए। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री भी कर लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट के सेल करने से हमको मिला कितना है और हमने क्या नया परचेस किया है यहाँ पर फिक्स एसेट। तो जब हमने सेल की लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो हमको टोटल 2,25,000 और इन्वेस्टमेंट के सेल करने पर हमको 48,000 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों को मिला के हमने 2,73,000 के सेल की है, ये हमने अर्न किया है। और इसमें से हम मशीनरी परचेस कर लेते हैं 2,47,500 की। तो यहाँ पर हमको जो बैलेंस बचता है वो हमारा सिर्फ बचता है 25,500 का। तो इसको हमको ये मान लेना है कि कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। थर्ड जो हमको कैलकुलेट करना है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? या तो हम कोई शेयर या डिबेंचर इश्यू करेंगे, या फिर हम कहीं से कोई लोन लेंगे, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर देते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है शेयर इशू किया है इसने, शेयर कैपिटल के बारे में दी गई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2017 में ये 3,75,000 का था और 2018 में ये 4,20,000 का हो गया। यानी डिफरेंस देखिए तो हम देख रहे हैं कि 45,000 का यहाँ पर एक शेयर हमने एक्स्ट्रा इशू किया है करेंट ईयर में। फिर एक हमको डिबेंचर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर, क्योंकि डिबेंचर के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो डिबेंचर, तो इसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंतर्गत ट्रांसफर कर सकते हैं 45,000। और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अगर हम देखें, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि 2017 में ये 15,000 का था और 2018 में फिर ये बढ़कर 27,000 हो गया। यानी कि करेंट ईयर में कितना हो गया? 12,000। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो दिया गया है 15,000। इसको हम इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल हमको 27,000 मिल जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लाभ हानि विवरण के अनुसार शेष या आधिक्य, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹69,05,000, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹57,000। सामान्य संचय जनरल रिजर्व फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹37,500, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹25,000। यंत्र पर संचित ह्रास accumulated depreciation on plant for the year ended 31st March 2018 ₹87,500 and for the year ended 31st March 2017 ₹75,000. Adat mazduri outstanding wages for the year ended 31st March 2018 ₹7,500 and for the year ended 31st March 2017 ₹12,500. Goodwill for the year ended 31st March 2018 ₹25,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹50,000. व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹73,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ₹81,000। अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, 31st मार्च 2017-18 को एक प्लांट जिसकी लागत ₹50,000 पुस्त मूल्य है, ₹35,000 था, उसे ₹45,000 में बेच दिया गया। A plant costing ₹50,000 having book value of ₹35,000 was sold for ₹45,000 during 2017-18। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमने जैसे कि वीडियो में भी देखा था और फॉर्मेट भी हमने देखा था कि यहाँ पर हमको जरूरत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 31st मार्च 2017 को जो 57,000 था वो 31st मार्च 2018 को 69,500 हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, दोनों का डिफरेंस 12,500। अब इसमें हमको एडजस्ट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजों को ऐड करते हैं, हमने देखा था फॉर्मेट में और वीडियो में भी हमने देखा कि प्रॉफिट रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको हम लेस कर देते हैं, लॉसेस जो होते हैं उनको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो एक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व, जो कि 2017 में 25,000 था और 2018 में ये जो है ये 37,500 हो गया, यानी कि यहाँ पर 12,500 इंक्रीज हो गया। तो इस 12,500 को यहाँ पर हम प्लस में लिख देंगे डिफरेंस के अमाउंट को। उसके बाद हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब ये भी एक लॉस है और लॉस और बढ़ गया, यानी कि और ज्यादा लॉस हो गया। 75,000 जो कि 2017 में था ये 2018 में 87,500 हो गया, यानी कि टोटल 27,500 इसमें इंक्रीज हो गया, लॉस बढ़ गया, यानी कि और ज्यादा लॉस हो गया। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो जाएगा यहाँ पर 27,500 और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से जो प्लांट है यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू 2017 में 75,000 थी और 2018 में और अधिक डेप्रिसिएशन उस पर लग गया, 87,500 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो 12,500 है, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर दी गई है कि 31st मार्च 2017-18 को एक और प्लांट जिसकी कॉस्ट 50,000 थी और इसकी बुक वैल्यू थी 35,000, उसको 45,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएट हो रही है उसकी वैल्यू, 50,000 की कॉस्ट का जो
प्लांट था वो 35,000 का हो गया, तो 50,000 एक तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, प्लस 12,500 जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो मिलाकर 27,500 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, जो कि एड वाले पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस का। तो ये तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद ये हमको काम आएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं गुडविल का। तो गुडविल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50,000 गुडविल था और अब वो हो गई 25,000, यानी कि रिटर्न ऑफ कर दिए हम इसको, अपलिखित कर दिए गुडविल। गुडविल भी एक ऐसी संपत्ति है जिसको हम कई वर्षों में राइट ऑफ करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको राइट ऑफ करके 25,000 कर दिए, यानी कि 50 में अब वो 25 हो गया, यानी 25,000 वो राइट ऑफ हो गया, तो उसको हम यहाँ पर एड के कॉलम में लिख लेंगे। अब टोटल यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12,500, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 27,500, गुडविल राइट ऑफ 25,000, यानी टोटल 65,000। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,500 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77,500। और एक चीज हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमको कहीं ना कहीं ये जो प्लांट हमने सेल किया है इस पे प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि प्लांट था 35,000 का, यानी कि जब वो बिका उसकी बुक वैल्यू हो गई थी 35,000 और उसको हम सेल कितने में कर रहे हैं 45,000 में, यानी यहाँ पे हमको सीधा सीधा एक कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है जिसको हम लेस कर देंगे, यहाँ पर लेस लिखेंगे और यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट रुपीज 10,000। और अब जब हम इसको 77,500 में लेस कर देंगे तो ये हमको 67,500 मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर डिक्रीज हुई है और कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हमको एक तो दिखाई दे रहा है ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हम देख रहे हैं कि 2017 में 81,000 था और 2018 में ये कम होके 73,500 हो गया, यानी कि एक ये एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में 7,500 जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको हम ऐड कर देंगे और फिर ये टोटल आ जाता है 75,000। और एक चीज हम इसमें देख रहे हैं कि एक लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये 2017 में 12,500 की थी और 2018 में ये 7,500 की हो गई, यानी कि ये जो लायबिलिटी है ये डिक्रीज हो गई। ऐसी कंडीशन में हम इसको लेस कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 5,000, और जब हम 75,000 में इसको लेस कर देंगे तो 70,000 हमको यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको यहाँ पे मिल जाएगा। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। लाभ हानि विवरण के अनुसार शेष या आधिक्य सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 रुपीज 80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 रुपीज 1,00,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 रुपीज 2,50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 रुपीज 2,40,000। Goodwill for the year ended 31st March 2015 rupees 15,000 and for the year ended 31st March 2014 rupees 20,000. Adatve outstanding expenses for the year ended 31st March 2015 rupees 8,000 and for the year ended 31st March 2014 nil. Samanya Sanchay general reserve for the year ended 31st March 2015 rupees 80,000
एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ₹50,000। प्लांट पर हास के लिए आयोजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ₹1,00,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ₹82,000। प्रोविजन पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 nil एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ₹6,000। ट्रेड पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ₹84,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ₹60,000। अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, व्यापार के दौरान प्लांट जिसका लागत मूल्य ₹60,000 तथा पुष्ट मूल्य ₹36,000 था, ₹40,000 में बेच दिया गया। दूसरा, वर्ष के दौरान आयकर चुकाया ₹30,000। तीसरा, वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया ₹18,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹36,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। थर्ड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹18,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इस प्रश्न में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2014 और 2015 के प्रॉफिट है। 2014 के लिए प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है 1,00,000 और 2015 के लिए प्रॉफिट दिया गया है 80,000। दोनों का डिफरेंस निकाल कर हम करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ₹20,000। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके अंतर्गत जो जनरल रिजर्व 50,000 का था, अब वो हो गया 80,000 का। मतलब एक तो हमको यहाँ पर ये रिजर्व दिख रहा है 30,000, उसको हम एड में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हमको जो लॉस टाइप आइटम हमको यहाँ पर एड में और जो प्रॉफिट टाइप आइटम है उसको हमको लेस में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिविडेंड पेड दिया गया है और डिविडेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18,000 जो है वो भुगतान किया गया है वर्ष के दौरान, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमको मिल जाता है यहाँ पर 20,000 प्लस 48,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर, समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 ₹5,00,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹4,00,000। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 10%, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹3,00,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹5,00,000। ऋण पत्र 12%, डेबेंचर 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,00,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,50,000। प्रतिभूति प्रीमियम संचय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹1,30,000. Prastavit Labhansh, proposed dividend, for the year ended 31st March 2018, ₹1,80,000, and for the year ended 31st March 2017, ₹1,50,000. Atrikt Suchnaye, Pehla, 31 मार्च 2018 को समता अंशों का निर्गमन किया गया। दूसरा, समता अंशों पर अंतरिम लाभांश चुकाया गया 15%। तीसरा, पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन
1 अप्रैल 2016 को 5% प्रीमियम पर किया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट, इक्विटी शेयर वेयर इशूड ऑन 31 मार्च 2018। सेकेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट द रेट ऑफ ₹15%। थर्ड, प्रेफरेंशियल शेयर वेयर रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 एट 5% प्रीमियम। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है। हमने फॉर्मेट में देखा कि किस तरह से जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए कैश फ्लो तैयार करते हैं तो हम उसमें जो भी फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है और जो कैश यूज रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है उनको यहाँ पर हम शो कर और फिर उनके बेस पे अलग अलग हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और फिर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें हमारा ए जो पॉइंट आएगा उसमें हम कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने कैश इनफ्लो के लिए कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की है। तो यहाँ पर एक तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू किए हैं और यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर 2017 में 4 लाख था, अब वो ईयर 2018 में 5 लाख हो गया। यानी कि करेंट ईयर में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है वो 1 लाख से इंक्रीज हुई है। 1 लाख एडिशनल हमने उसमें इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख के अमाउंट को हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि 2017 में 1,30,000 की थी और 2018 में 1,50,000 की हो गई। यानी कि यहाँ पर इस सिक्योरिटी रिजर्व के लिए हम देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए देख रहे हैं कि 2017 में जो अमाउंट 1 लाख की थी 2018 में वो 1,50,000 की हो गई। तो 50,000 इंक्रीज हुआ है जिसको कि यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ₹50,000। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड दिया गया है और ये भी कैश इनफ्लो ही दिखा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। तो ये 1,50,000 का था और फिर ये इंक्रीज होकर 1,80,000 का हो गया। 17 से 18 में इसमें 30,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, उसकी एंट्री हम यहाँ कर लेंगे 30,000 की। और ये जो टोटल आ रहा है इसका 1 लाख प्लस 50,000 और प्लस 30,000, ये 1,80,000 को हम फाइनल कैश अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। तो एक तो हमको यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया गया है वहां पर दिया गया है कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट 15% दिया गया है। और ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड, तो इसमें क्योंकि हम एडजस्टमेंट में देख रहे हैं कि समतांशों पर अंतरिम लाभांश चुकाया गया 15%, 17 में ये समतांश जो थे 4 लाख के थे और इस पे अगर 15% इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं तो ये 60,000 का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैश यूज, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड अलग से ये दिया गया है तो कैश यूज में हम इसको शामिल कर लेंगे। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पे 60,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद हम एक यहाँ पे देख रहे हैं कि रिडम्पशन जो दिया गया है वो 5% प्रीमियम पर दिया गया है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल दिया गया है 5 लाख का, उस पर डिफरेंस से हम तो देख रहे हैं कि करंट ईयर में कितने का इशू हुआ है, तो पहले दोनों का जो डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी 2 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, कम हो गया है इसमें। और उसके बाद फिर इसमें रिडम्पशन भी है तो रिडम्पशन में हम देख रहे हैं कि 5 लाख का अगर हम 5% रिडम्पशन यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये 25,000 और उसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी कि ओवरऑल हम 2,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं और ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 60,000 और 2,25,000, यानी 2,85,000। और अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें
ए और बी का, तो यहाँ पर हमको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहे हैं 1,80,000, और कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं 2,85,000। डिफरेंस इनका 1,05,000 आ जाता है, जो कि हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्टी फर्स्ट मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बीपीएल लिमिटेड का निम्न जानकारी से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द बुक ऑफ बीपीएल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। वर्ष का शुद्ध लाभ कर के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 7,000, प्रारंभिक बैंक शेष ओपनिंग बैंक बैलेंस 25,500, अंतिम बैंक शेष क्लोजिंग बैंक बैलेंस 32,500, व्यापारिक प्रतिभूतियों में कमी डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000, माल सूची में वृद्धि इंक्रीज इन इन्वेंट्री रुपीज 4,000, देय बिल में वृद्धि इंक्रीज इन बिल्स पेबल रुपीज 42,000, मशीन का विक्रय सेल ऑफ मशीनरी, मशीन का विक्रय सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 1,25,000, विनियोग का क्रय परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 20,000, बैंक ऋण का पुनर्भुगतान रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन रुपीज 1,75,000, आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड रुपीज 3,00,000। इस क्वेश्चन के आधार पर हमको एक सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ये कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहेंगे। इनडायरेक्ट मेथड जैसे कि हमने वीडियो में देखा और हमने इसकी फॉर्मेट में भी देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हुए इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी को इंक्लूड करके एक प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सबसे पहले हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। तो नेट प्रॉफिट एक तो हमको यहाँ पर दिया गया है निकाल कर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 7,000, और इसमें हम टैक्स की अमाउंट को भी इंक्लूड कर देते हैं इनकम टैक्स को, जो कि हमको सबसे लास्ट में यहाँ क्वेश्चन में पर्टिकुलर में दिया गया है 3,000। तो ये हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स रुपीज 10,000। तो डिटेल अमाउंट कॉलम में हम इस 10,000 को लिख लेंगे, और फिर हम इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है उनको हम लेस कर देते हैं, और अगर हम संपत्तियों और दायित्वों के ऐड एंड लेस की बात करें तो हम एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और दूसरी बात कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहले बना लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉइंट दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको निल लिख देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ पर लेस करते हैं, वो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको यहाँ पर निल लिख देंगे। हम अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चलते हैं तो इसको हम पर्टिकुलर में लिख के अमाउंट को निल कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें कुछ ऐड या लेस होने वाली कोई बात हमको मिली नहीं यहाँ, तो जो हमारी टोटल अमाउंट थी नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स रुपीज 10,000 उसी को हम मान लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस रुपीज 10,000। अब हम बात करें यहाँ पर
करंट एसेट्स या लायबिलिटी के इंक्रीमेंट या डिक्रीज होने की, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देख रहे हैं जिसमें जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके बारे में दिया गया है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने जाना कि जब कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट है 32,000 उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक पॉइंट हम उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कि इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है। अब इन्वेंट्री जो है वो तो करंट एसेट्स है, इसकी अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो वो लेस में चला जाएगा। फिलहाल हम ऐड के पोर्शन को पहले बना लेते हैं। यहाँ हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि बिल्स पेबल जो कि एक करंट लायबिलिटी है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, और अगर किसी करंट लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी से कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, बैलेंस निकाल के इंक्रीमेंट डिक्रीज देखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में स्पष्ट दे दिया गया है कि बिल्स पेबल जो है वो 42,000 से इंक्रीज हुआ, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो टोटल यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 पहले से हमारे पास वर्किंग कैपिटल चार्जेस थे बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें से हम जो इन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 32,000 और इंक्रीज इन बिल्स पेबल 42,000 को प्लस कर देंगे, तो टोटल हमको यहाँ पर 84,000 मिल जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तो दिया गया है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है एक हमारी करेंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि 4,000 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो 84,000 माइनस 4,000 तो ये हो गया 80,000। अब एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स, जैसे कि हमने जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी तो फॉर्मेट में हमने देखा था कि अगर कोई इनकम टैक्स पेड यहाँ पर रहता है तो लास्ट में हमको उसको फिर से माइनस कर देना होता है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 3,000 को, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 77,000 हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और इसको हम नेट अमाउंट कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैश फ्लो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया, अब हमको चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस पूरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एक तो क्वेश्चन में पॉइंट दिया है कि सेल ऑफ मशीनरी, मशीन के बेचने से कुछ पैसे मिले हैं, ये हमको इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। और एक पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट परचेस किया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ओवरऑल दो पॉइंट ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों को हम लिख लेते हैं। सेल ऑफ मशीनरी इज ₹1,25,000, डिटेल अमाउंट में हम इसको लिख देंगे। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, इसको हम डिटेल अमाउंट में लिख देंगे। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर हम प्लस या माइनस का साइन लगाएं या ना लगाएं, सीधी सी बात है कि एक मशीनरी हमने परचेस की और सीधी सी बात है कि एक मशीनरी हमने सेल की तो हमारे पास पैसे आए 1,25,000, और एक इन्वेस्टमेंट हमने परचेस कर दिया 20,000 का, तो ये 20,000 हमारे पास से चले गए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो 1,05,000 की है, अगर हम 1,25,000 में 20,000 माइनस करके शो करना चाहें तो। थर्ड पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमको चाहिए, और इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम ढूंढते हैं तो एक पॉइंट हमको दिखाई देता है जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ये है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो यहाँ पे ये लोन जो है फाइनेंस रिलेटेड है और रीपेमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे 1,75,000, और क्योंकि एक ही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तो फिर हम नेट अमाउंट कॉलम में भी उसी की एंट्री कर देंगे। तो ये हमारे पास जो बैलेंस अब आएगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे पास 77,000 का नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, उसके बाद सेकेंड हमारे पास 1,05,000 का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, और उसके बाद हमारे पास 1,75,000 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। और जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो हमारे लिए हो जाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और ये हमारा आ रहा है 7,000। अब हमने फॉर्मेट में देखा था कि इसके बाद अगर कोई कैश या कैश इक्वावेलेंट कोई यहाँ पर टॉपिक आता है, कोई पॉइंट आता है, तो उसको हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर पॉइंट है तो, अदरवाइज हमको इसको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ओपनिंग कैश बैलेंस हमको दिया गया है 25,500 का। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 7,000 में, तो ये 32,500 हमको मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्वावेलेंट बैलेंस एट एंड ऑफ द ईयर। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में आपने देखा कि किस तरह से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं और इस ऑपरेशन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि इस पूरी एक्टिविटीज़ को हम तीन भागों में बांट देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। एक तो इस पूरे फॉर्मेट से हमको टोटल कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इन मदों को जब हम अलग अलग ऑपरेशंस में हम डिवाइड कर देते हैं कि वो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट है कि फाइनेंशियल है कि ऑपरेटिंग है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ है उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी का कितना रोल है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ है उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या रोल है, और कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या रोल है। ओवरऑल हम इससे ये समझ पाते हैं कि कैश फ्लो का, चाहे वो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल हो या ऑपरेटिंग हो, टोटल जो कैश बैलेंस है उस पर क्या असर पड़ता है। कंपेयर जब हम करते हैं विभिन्न वर्षों के संपत्तियों और दायित्वों का, तो एक तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से कैश की बहुत अच्छी स्थिति का पता लगा पाते हैं, फ्लैक्चुएशंस कितना हुआ है, किस तरह का हुआ, इसका पता लगा पाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे विवरण के द्वारा, इस पूरे स्टेटमेंट के द्वारा हम कैश रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग करना चाहें, अगर कोई बजट बनाना चाहें, कुछ नियोजन करना चाहें, तो काफ़ी ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो कुल मिलाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरे व्यापार में कैश के फ्लैक्चुएशन को हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है।